यह कहानी है भगवान पर विश्वास की और शब्द की। जो लोग धैर्य के साथ ईश्वर पर विश्वास बनाए रखकर अपना काम करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, भगवान उनकी परीक्षा लेते जरूर हैं, परंतु उनका विश्वास नहीं टूटने देते। एक बार की बात है, तूफान में फंसकर एक समुद्री जहाज तहस नहस हो गया। उसमें बैठे सभी यात्री समुद्र में डूबकर मर गए। बस एक आदमी को छोड़कर भगवान की कृपा से वह किसी तरह से बच गया और बहकर समुद्र के किनारे आ गया। उसकी बेहोशी टूटी और आँख खुली तो उसने खुद को एक उजाड़ और सुनसान द्वीप पर पाया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी मदद करो, कोई मदद यहाँ भिजवा दो। दिन गुजर गया, रात हो गई, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। समुद्र के किनारे सोकर उसने रात गुजारी। अगले दिन उसने फिर भगवान से मदद के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। उस सुनसान और उजाड़ द्वीप की जिंदगी को अपनी किस्मत मानकर आदमी ने कुछ लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा कर अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। टूटे जहाज से बहकर आई चीज़ों से उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा करके झोपड़ी में रख ली। उसी झोपड़ी में रहकर वह दिन गुजारने लगा। एक दिन वह भोजन की तलाश में गया हुआ था। वापस लौटा तो देखा कि झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपना एकमात्र आसरा उजड़ जाने से वह बहुत दुखी हुआ और आसमान की ओर सिर उठाकर भगवान को कोसने लगा। भगवान, मैंने तुझसे मदद भेजने के लिए कहा, परंतु तूने ना सुनी। मन मारकर मैंने जीने के लिए यहाँ एक झोपड़ी बनाई तो तूने वो भी जला दी, मेरा आसरा ही छीन लिया। तू बड़ा निष्ठुर है। वह आदमी निराश होकर समुद्र के किनारे सो गया। सुबह तेज हवा से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि एक समुद्री जहाज किनारे आ लगा है। वह खुश हो गया कि आखिरकार उसके लिए मदद आ ही गई। वह जहाज पर बैठा और जहाज चल पड़ा। उसने जहाज के कप्तान से पूछा, आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस उजड़े हुए द्वीप पर फंसा हुआ हूँ? उस आदमी की बात को सुनकर कप्तान ने कहा, हमें रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल भेजा गया था। पर मैंने तो फायर सिग्नल नहीं भेजा, आदमी ने कहा। लेकिन हम तो फायर सिग्नल देखकर ही यहाँ आए हैं, जहाज के कप्तान ने कहा। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई और वह समझ गया कि भगवान ने उसकी सहायता भेजने की प्रार्थना सुनकर ही उसकी झोपड़ी जलाकर समुद्री जहाज को उसकी इस द्वीप में फंसे होने का संकेत दिया था। वह भगवान को धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, जब हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और धैर्य टूटने लगता है, आशा धूमिल होने लगती है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में आवश्यकता है भगवान पर विश्वास बनाए रखने की, मुसीबत से निकलने का प्रयास करने की। उस आदमी ने झोपड़ी बनाई तो भगवान ने उसमें आग लगाकर उसे उजाड़ द्वीप से निकालने की मदद की। हमें भी दिल छोटा किए बगैर भगवान पर विश्वास बनाए रखकर अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हमारा प्रयास और भगवान का आशीर्वाद दोनों मिलकर हमें हर मुसीबत से निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको कोई प्रेरणा मिली हो।